हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एबिटाट स्टडी सेंटर। आज आम जूलोजी क्लास आरंभ करवा जोटा कि एनिमल किंगडम रहा गोटे पार्ट रहापर आम नेक्स्ट पार्ट्रे सबकि आम सारीद ठीक अच्छे ना नहीं। तो यहाँ बेसिकली जो मैंने ओएसएस सीटी सीएसटी ओएवीएस जेटी बीडी एंट्रेंस सीटी एंट्रेंस में प्रिपेयर करके इंपोर्टेंट रहा। ओके, तो चैनल को जदि नुआ विजिट करते फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। आम जल्दी जल्दी दे कि मानने डिस्कस बेस करवानी है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जोटा इंपोर्टेंट आम डिस्कस करवा एमती नुक फालतू कथा कह। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम कौन ना बेसिकली जहाँ प्राणी है कि कौन से पशु है यम मैंने जो डिवाइड अच्छी किंगडम अच्छी केमी कौन आम डाइवर्ट मैंने डिवाइड करें डिस्कस करवा ठीक अच्छे। बेसिकली किए यहाँ इंट्रोड्यूस करते कार्लोस लिनियस। इज दैट क्लीयर? बुझीपारे किए देते कार्लोस लिनियस। आउ बेसिकली देखो जहाँ भी अच्छे एनिमल मानकर से किसी कोष को नहीं गठित होता है ठीक सेमती आम क्या कौन कहता सेल। देखो सेल सेल रू कौन होता है टिश्यू होता है टिश्यू कौन होता है ऑर्गन होता है आउ से ही ऑर्गन विभिन्न प्रकार तंकर सिस्टम अच्छी काम जहाँ जमती काम हिसाब से हिसाब से सिस्टम रखाई तो ताकि कहवा ऑर्गन सिस्टम बुझीला। तो ये मैंने गोटे ऑर्गन सिस्टम है तार कौन होता है ना गोटे बॉडी स्ट्रक्चर हो जाए तो से बॉडी किसी सिमेट्रिक रही बुझीपारे सिमेट्रिक कौन जोटा कि आमती आम डिवाइड करवा डिवाइड केमती करवा देखो रेडियल एंड बायलेटरियल। यार अर्थ कौन रेडियल मानने जेको हिसाब से आम जो जगार हेल्ला आम कौन करवा डिवाइड करमती कि स्टार स्टार को आम कौन कर एमती भी डिवाइड करमती डिवाइड करमती है कि नहीं कि बायलेटरियल कौन लेफ्ट राइट आम डिवाइड कर एग्जांपल आप देखा देवी मुझे देखो यहाँ रेडियल रेडियल एग्जांपल एमती आम काट कर मैंने कट कर पारा डिवाइड कर पारा एमती एमती डिवाइड कर पारा। तो यहाँ जोटा मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर ने आम डिवाइड करें रेडियल सिमेट्री किंतु बायोलेट्रियल जदि आम देखा सिमेट्री अर्थ कहला केवल लेफ्ट राइट थी मैंने लेफ्ट भी सेम थी राइट भी सेम थी। तो यहाँ देखो आमर बेसिकली ह्यूमन बॉडी बटरफ्लाई सीटोटाइल तापर ये सब है सार्क बुझिपारे तो ठीक अच्छे है बुझिपारे क्लीयर एटा क्वेश्चन आसे। तापर सिलम सिलम कौन सिलम कहले आम गोटे जिनस मन रखा कैविटी कैविटी कौन देखु देखो आम एनिमल किंगडम आम पढ़ुन मैंने एनिमल किंगडम स्ट्रक्चर पढ़ुन कि डिवाइड आम जो कह तार जो पार्ट अच्छी टाइप्स अच्छी ता पढ़ुन ता पूर्व आम कि डिस्कस करुचे तो यहाँ जानवा निहाती आवश्यक है देखो कौन कहली मु सिलम सिलम कहले आम कौन बुझा कैविटी कैविटी कौन कैविटी कह जो स्किन एवं इंटरनल ऑर्गन मध्य जो मानने गैप थाए आम कैविटी कहवा जमीक जी आम मनुष्य मानकर नहीं जाए आमर जो कौन थाए ना ऊपर जो चर्म अच्छी चर्मर भितर कौन अच्छी ना हार्ट अच्छी स्टोमाच अच्छी सब मैंने किसी डिस्टेंस अच्छी गैप अच्छी तो यह कह आम कैविटी ठीक सेमती एनिमल मानक एमती इनसेक्ट है ये कि डिफरेन्स अच्छी गैप्स अच्छी ताको आम कह कैविटी है आउ सिलम को आम तीन भाग विभक्त करवा है सिलम के क्या केमती डिफाइड करवा देख क्वेश्चन आसे मन रखे एक्टोडर्म इंट्रोडर्म मिसोडर्म है कि नहीं एक्टोडर्म कहले जोटा कि आउटर पार्ट इंडोडर्म कहले लास्ट पार्ट या भीतर पार्ट एवं मिसोडर्म कहले मध्यवर्ती पार्ट। तो आम डिस्कस करवा देखूँ सठिक भाव है क्वेश्चन दीदी किंतु तापूर्व मुझे गोटे कथा कह जो इक्टोडम मेसोडम एंड एंडोडम जोटा रही आम ट्रिपल ट्रिप्लो ब्लास्टिक कहवा और जो जगार मेसोडम ना अर्थात मध्यवर्ती अंश ना आम डिप्लोब्लास्टिक कहवा बुझिपारे कि नहीं आउ थे कहीदे ये तीनोटी जी जो जगह थी आम ट्रिपल ब्लास्टिक कहवा आउ मेसोडम जो जगह ना आम डिप्लोब्लास्टिक कहवा जमीक देखूँ है गोटे इनसेक्टर एग्जांपल नहीं जावा तीन टी पार्ट है कि नहीं देखो तीन टी पार्ट है फास्ट पार्ट इंडोडम सॉरी एक्सोडम इंडोडम एटा है मेसोडम बुझिपारे कि नहीं। तो यार हेड रोचे गोटे पार्ट इनसेक्टर आम दूचे थोराक्स रोचे आबडमन कौच। तो यहाँ तीन टी पार्ट रोचे इनसेक्टर मन रखे इनसेक्टर हेड रोचे थोराक्स रोचे है यहाँ मन रखे है तो यह कि एमसीक्यू करवा देखो ए बायोलेटरल सिमेट्री
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट मिनर, किए मैंने लेफ्ट एवं राइट मिनर को तार कौन डिवाइड कर गोटे बायलैटरल सिमेट्री एक्सेस कर लाइन कर बोन्स बोन कर या मसल्स कर मसल्स कहीं करनी तो ये देखा एक्सेस कर लाइन्स कर गोटे लाइन्स ही लेफ्ट एंड राइट करोटा मुझे देखेली बुझे कि नहीं आउ थे मत देखे देखो ये गोटे लाइन डिवाइड कर ना नहीं लाइन लेफ्ट राइट कर तापर कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन व्हिच इज एन सॉरी तो क्वेश्चन देखा गलानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रा ऑफ बायलैटरल सिमेट्री हाँ ये मतलब एग्जांपल सॉरी एग्जांपल ऑफ बायलैटरल सिस्टम सिमेट्री बायलैटरल सिस्टम सिमेट्री कौटा एग्जांपल रहा बेसिकली आम दिभाग में विभक्त करबियसली स्पंज किला को मैं कहटा कैट को नु कैट रेमती तो मैंने सब जगह सेम ना आम लेफ्ट जो करम हम नहीं स्टार फिश तो हम नहीं स्टार फिश आम कौन कह स्टार फिश कह रेडियल बोल के ठीक अच्छे बुझे पार तो स्पीड जापर ये देखते हाँ यहाँ क्यारेक्टरीस्टिक हिसाब से कहली है देखो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन क्यारेक्टरीस्टिक फीचर्स ऑफ एन इनसेक्ट इनसेक्टर मेन फीचर कौन इनसेक्ट एवं कहले पेयर्स ऑफ एंटेना या थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स पेयर ऑफ विंग्स ऑल ऑफ द अबव तो यार आंसर है थ्री पेयर्स ऑफ लेग इनसेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू डेस डेक्स इनटू द फिल्म को फिल्म रे बेसिकली इनसेक्ट मैंने जाऊँगी देखो आम पढ़ा यहाँ पढ़ीनु कि पूर्व जो इनसेक्ट को डिवाइड करदे आर्थपड़ा है आर्थपड़े आम इनसेक्ट को डिवाइड करवा ठीक अच्छे बुझिपड़ापर आटा देखू जोटा रोचे आमर सेगमेंट बेसिकली एटा रोचे जो आम कहे केचुआ केचुआ कौचे ना ना तार बॉडी पार्ट रोचे तीन टी पार्ट रोचे प्री क्लेटलर क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर क्लाइटेलर तो यहाँ रोचे तार स्ट्रक्चर मन रखे टी तापर नोट कॉर्ड नोट कॉर्ड कौन कह देख नोट कॉर्ड कहले आम बुझा देखु सार्टिलेजिनियस स्केलेटन आम देखु नोट कॉर्ड कहले आमर कौन रोचे ना आमर जो आम कह बोन्स रोचे आमर माने जोटा कहचे पछपटर जो हाड़टा रोचे से सीटा पूरा स्ट्रेट रोचे है कि रड टाइप रोचे किंतु जो मान स्पंज अच्छी जीआर है कि केचुआर है तो यमर कौन रोचे एम कौन से प्रकार रड टाइप रिंवा से माने बोन्स से प्रकार बोन्स रोना तो से माने जो जगह गले बोलते से माने एडजस्ट कर पारे हला पानी रही पारे माने गात भितर को जाई पारे पत्थर भितर को जाई पारे किंतु आम जाई पारिबानी जीवा किंतु से सेफ रे जीवा आम सेफ रे जीवा से ताहर सेफ रे जाई पारिबानी किंतु ए माने जो मानकर देखो नोट कॉर्ड थाए से जहाँ स्केलेटन थाए अर्थात रोड रड टाइप स्केलेटन थाए ताको आम नोट कॉर्ड कहवा जोटा कि बेसिकली ह्यूमन बॉडी हला बुझिपारे तापर आम मेन पॉइंट को जीवा फिल्म फिल्म जोटा कि आम ग्रुप कहवा जोटा डिवाइड कर स्मलर देन द किंगडम लार्जर देन ए क्लास ये सब मैंने गोष्ठी पशु उद्भिद एम फिल्म गोष्ठी को आम कौन कह फिल्म कह तो आम से आसवा मेन पॉइंट को ये क्लीयर आप ठीक अच्छे तुम आज गोटे पार्ट करवा है गोटे पार्ट करवा आम केवल तापरे आमे अलग पार्ट करवा एटी देखंतु व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू गिव्स राइज टू नट कॉर्ड देखंतु को प्रकार टिश्यू बेसिकली नट कॉर्ड को बढ़िबा पई साइज करते मेसोडर्म अर्थात मझीर जो अच्छी मेसोडर्म से बढ़िबा पई टिश्यू को बेसी माने हेल्प करथाय हैला बुझि पले तो प्रथम फिल्म रो पार्ट आसीला हमरो पेरिफेरा पेरिफेरा पर आम खाली ये भिडियो पेरिफेरा पढ़ा तापर नेक्स्ट भिडियो आम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पेरिफेरा पोरीफेरा पेरिफेरा जहाँ एट बेसिकली देखू ये स्पंज टाइप रही है जो कौ पोर 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 कहले जार छिद्र थाए देख पोर कह छिद्र थाए एवं से पोर को आम कह ओस्टिया ओस्टिया किपर कह जार स्पंज आकार जहाँ आम छुईले स्पंज भाया जगह जी जीआ है कि कौन सी केचुआ है देखते ये स्पंज दे
ତାର ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ମିନିଟ୍ ପୋର୍ସ ଇନ୍ ଦ ବଡି ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପଞ୍ଜ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡି ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାର ଓଷ୍ଟିଆ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ଏହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି। ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପୋରିଫେରା ଆର୍ ଲୁଜ୍ଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, ଲୁଜ୍ଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାନେ ଲୁଜ୍ ଥାଏ, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍କେଲେଟନ୍ ଟାଇପ୍ ନଥାଏ, ସେ ଲୁଜ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଅର୍ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେ ଆର୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମେରିନ୍ ୱାଟର, ମେରିନ୍ ୱାଟରରେ ଏମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ, ସେମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ରହିବେନି, କିଛି କିଛି ଥାଆନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ବେସିକାଲି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବଡି କେମିତି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ, ଅଛି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସିଲିଣ୍ଡର କେମିତି ଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ ବଡିଟା। ତାପରେ କ'ଣ, ଦ ସ୍କେଲୋବ୍ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ସ୍ପାଇକଲ୍ସ ୱାଇଲ୍ ସ୍ପଞ୍ଜି ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବାଏ ସ୍ପଞ୍ଜି ଓ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପଞ୍ଜି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ, ସ୍ପଞ୍ଜି ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ସ୍ପଞ୍ଜି ଓ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଟଚ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଆମକୁ ମେହସୁସ୍ ହେବ। ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ଅର୍ଗାନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ବଡ଼ି, ଏମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନ୍ ନଥାଏ। ଆମେ କେଚୁଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁ ତା'ର କିଛି ବଡ଼ି ପାର୍ଟ ଥାଏ କି, ସ୍କେଲେଟନ୍ ଥାଏ କି, ନଥାଏ। ଦ ଡେପିକ୍ଟ ସେଲୁଲାର ଗ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନଥାଏ ନା ଡେପିକ୍ଟ ସେଲୁଲାର ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଥାଏ। ଦ ବଡ଼ି କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟିଆନ୍ ଅଶୋକମ ଅଶୋକଲମ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଅଶୋକଲମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି କ'ଣ ଥାଏ, ସ୍ପଞ୍ଜଲ ଭଳିଆ ଥାଏ ବା ଆଣ୍ଟିରମ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ସ୍ପଞ୍ଜଲ ବି ରହିଥାଏ, ସ୍ପଞ୍ଜଲିସ୍ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ପଞ୍ଜସଲ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆଣ୍ଟିରମ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅସ୍କୋଲମ ହେଲା, ଅସ୍କୋଲମ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅସ୍କୋଲମ ୟା ଅଷ୍ଟିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଦେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ ବାଏ ବଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ, ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି, ହୋଲୋଜୋଇସ୍, ଓକେ ହୋଲୋଜୋଇକ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କରିବେ। ଦେ ହାଭ୍ ନ୍ୟୁରୋସେନ୍ସରି ସେଲ୍ସ ବଟ୍ ଦି ଆର୍ ଡେଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ଏନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଡି ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ଦେ ହାଭ୍ ଦ ପାୱାର୍ ଟୁ ରିଜେରେକ୍ଟ ଦ ଲଷ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍, ହଁ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର କଟିଂ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଟିଂ ହେଲା ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କେଚୁଆକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଜିଆକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ମାନେ ମଝିରୁ ଯଦି କାଟିଦେବା, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ, ଦ କ୍ଲେଭେଜ୍ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କ୍ଲେଭେଜ୍ ଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲେଭେଜ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା, ହୋଲୋ ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ଆଣିକି ଦେବି, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ରେସ୍ପିରେଟରି ଗ୍ୟାସେସ୍, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସେସ୍ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ବେସିକାଲି କେମିତି ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ହିସାବରେ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ତା'ର ଯଦି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିବା, ବେସିକାଲି ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ହଁ କାଲକେରିଆ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ହେକ୍ସାଷ୍ଟିନେଲିଡ଼ିସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ, ଓକେ କାଲସେରିଆ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ସୋଲୋ ମେରିନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ, ୱାଟର୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ସ୍କେଲେଟନ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କାଲକେରିଆ ସ୍ପିଲର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଅଛି ଏହାର ସ୍କେଲେଟନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ସ୍କେଲେଟ ଇନ୍ କମ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କାଲକେରିଅସ୍ ସ୍ପିକୋଲସ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କେଲେଟନ୍ ଅଛି, ସ୍କେଲେଟନ୍ ତ ବେଶୀ ନଥାଏ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହିସାବରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ବଡ଼ି ଇଜ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ରେଡିକାଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ରି ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ ବଡ଼ି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଏକୋଣ୍ଡାଇଟ୍ ସିକୋଣ୍ଡାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିକୋଣ୍ଡାଇଟ୍, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ହଏ କ୍ଲାଥିରିନା ସ୍କାଇଫା
एमानकर बॉडी बेसिकली ए हिसाब रे थाए अर्थात आस्कोनाइट हिसाब रे थाए साइकोनाइट हिसाब रे थाए लिकोनाइट हिसाब रे रही थाए हला तापरे हेक्साक्टिन हेक्साक्टिनेलिड्स एर अर्थ कोन एटा बेसिकली मैरिन वाटर एवं डीप सी रे समुद्र मझरे देखा जाय तांते माने आ एमानकर स्केलेटन बेसिकली सिक्स रेड सिलिकियस स्पाइशल्स रे तयारी हिते एवं एमानकर मध्य सिलिंडर टाइप रे बॉडी शेप अछि किंतु रेडिकल सिस्टम माने रहिबे एमानकर जो केनाल सिस्टम रहिछि वाटर सिस्टम जो रहिछि सिकोन लिकोन हिसाब से माने आसीबे आ एग्जांपल कहला यूप्लेट क्लास यूप्ले टेला एंड हाइलोनेमा हला तापर जहा बाकी रहला मु आपन को डिस्कस करबे किंतु मु डिस्कस करबे आपन मान को एमसी को डिस्कस करबे रहंतु हला एमसी को डिस्कस कर देबे देखंतु एटा हला केवल पेरिफेरा रो एमसीक्यू हला पेरिफेरा तापर मु जते बले आपन मन को नेक्स्ट करेबी ता मध्य मु आपन डिस्कस करेबी दिस अबाउट स्पंज इज ट्रू एति मतलब स्पंज जो रही छे तार हिसाब रे ट्रू टा कोन वन माउथ इन्यूमरेबल एक्सिट इन्यूमरेबल माउथ वन एक्सिट लार्जेस्ट स्पेशियस स्टोमास या स्पेशियल्स आर कंपोज ऑफ चीटिंग आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी ओके बी कौन हो जीवो ना इन इन्यूमरेबल माउथ्स वन एक्सिट तापरे डेक्स इज द नेम ऑफ द ड्राइड स्केलेटन ऑफ वेनस फ्लावर बास्केट वेनस फ्लावर बास्केट रो अति मधुर कोटा गोटे हम जदि कहबा नेम यूप्लेक्टेला यूस्पोंजिया लिकोसोलेनिया स्पोंजिला कोटा आपण माने एग्जांपल एग्जाम सॉरी आंसर देबे कोंतु कोटा राइट आंसर है जीव ऑप्शन नंबर ए यूप्लेक्टेला यूप्लेक्टेला मेंबर ऑफ फिलम परिफेरा आर अच्छा फिलम परिफेरा रो मेंबर कौन केमती आप माने कहंतु मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स बट फ्यू आर मेरिन एंटर्स कि मोस्टली मेरिन एनिमल बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एंटर कोटा हो बेसिकली देखंतु आंसर है जो हमरो बेसिकली माने मु अपन कहली मेरिन एनिमल्स है माने समझते मेरिन वाटर देखा जंति किंतु फ्रेश वाटर बहुत कम देखा जंति जोटा फर्स्ट पार्ट मु अपन डिस्कस करी छी तापरे एनिमल्स लैकिंग एक्सक्रेटोरी रेस्पिरेटोरी एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर आर एति मधर को एनिमल रो एक्सक्रेटोरी एक्सक्रेटोरी रेस्पिरेटरी सिस्टम थाय सर्कुलेटरी सिस्टम थाय स्ट्रक्चर थाय स्पंजेस रो टैपवर्म्स रो लिवर फ्लक रो थ्रिडोमोनस रो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए स्पंज स्पंज रो थाय दीज आर मल्टी सेलुलर ग्रेड एंटिटी कोटा मल्टी सेलुलर ग्रेड एंटिटी कहाँ पाखे थाए तो ये मुझे डिस्कस करी आपने किंतु ऑप्शन नंबर बी हो स्पंज स्पंज मल्टी सेलुलर ग्रेड एंटिटी रही थाए छः नंबर आंसर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू हिज साइकन बिलंग्स कैन बी डिस्क्राइब देखु साइकन डिस्क्राइब जब करवा कौटा जावा मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट ए बॉडी कैविटी देखते इनको तो कैविटी थाए है यूनिसेलुलर आर एक्सेलुलर तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी देखो ऑप्शन नंबर बी इनको मल्टी सेलुलर थाए विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गन इनको न थाए ताको हमें कौन कहबा ताको कहबा हमें कौन ना साइकन ओके सात नंबर आंसर दिखता फटाफट सात नंबर आंसर दिखता कोलेड कोलरेट कोलरेट या फ्लेगलेटेड सेल्स जोटा कि बहुत लार्ज पार्ट रे कवर करथे इनर चेंबर तार स्पंज रे हला एवं हेल्पिंग वाटर सर्कुलेशन टू कंटिन्यू अर्थात देखो तांकर जो पार्ट थाय बा कवर जो पार्ट थाय कवर करथे कोन लार्जर पार्ट रे कवर करथे तांकर जो सेल्स अछि सेल्स को
हला चिकेन आ स्पंज तो बेसिकली आउ से स्पंज द्वारा से माने वाटर सर्कुलेशन करथंती बेसिकली तो एठी कहबा कोन केटा कोटा एग्जांपल हबो एटा जिबा हमें देखंतु बुझि पले तो राइट आंसर जिबा बी ओके कोनो साइड्स रे से माने करथंती बुझि पले तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु दिस इज ए फ्लैगलेटेड लार्वा ऑफ लिकोसोलिनिया तो एटे कोटा फ्लैगलेटेड लार्वा ऑफ लिकोसोलिनिया कोटा हबो मैकॉट केडिया प्लानुरा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एटा पेरेन चिमला हला पेरेन कैमरा पेरेन चिमला तापर नौ नंबर क्वेश्चन कहंतु आंसर परिफेरन इवोल्यूशन फ्रॉम प्रोटोजोआस इज एविडेंस बाय एनिमल सच एज कोटा आंसर ओके राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी द चेम्बर कमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजिज सब कैनाल बेसिकली सिस्टम थाए स्पंज सिस्टम ताको हमें को चेम्बर कहबा बेसिकली हमें कहबा ऑप्शन नंबर डी पारागैस्ट्रिक कैविटी ओके तो आशा करूँ वीडियो आपन मन को बहुत हेल्पफुल होती है जदि हेल्पफुल होती है लाइक शेयर करूँ।